खबर बलिया जिला के रसरा तहसील से है, जहां लॉकडाउन में परेशान अभिभावकों में के बच्चों की फीस माफ करवाने की मुहिम चला रहे कई समाजसेवी व कई संस्था आगे आकर फीस माफ करवाने में लगे हुए हैं। इन्हीं के प्रयासों से कई स्कूल धीरे धीरे फीस माफ कर रहे हैं। संस्कार सागर पब्लिक स्कूल पिछले साल ही अपने विद्यालय का नींव डाले व लगभग यहाँ के दर्जनों गाँव के गरीब परिवारों के सपनों को साकार करने वाला विद्यालय है। संस्कार सागर पब्लिक स्कूल ने और आगे आकर आधे फीस माफ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया व नए प्रवेश का कोई शुल्क नहीं है। संकट की इस घड़ी में 3 माह की फीस माफ करके अभिभावकों को बहुत राहत दी, लेकिन अभी तक महानगर के एक भी बड़े स्कूलों ने यह दरिया दिली नहीं दिखाई है। रसरा क्षेत्र के महतवार निकट SR पेट्रोल पंप स्थित BS मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक सुधीर सिंह ने 3 माह अप्रैल मई व जून माह की आधी फीस माफ की। सुधीर सिंह के यहाँ इस समय 650 बच्चे पढ़ते हैं। बताया कि उन्होंने वाहन फीस भी माफ किया है। फिलहाल फीस माफ की यह मुहिम अभी जारी रहेगी। हमारे में एक यहाँ के स्थानीय विद्यालय संस्कार सागर पब्लिक स्कूल में हूँ। जो विद्यालय अभी पिछले साल ही इसका उद्घाटन हुआ है और ये विद्यालय यहाँ के लगभग दर्जनों गाँव के गरीबों का एकमात्र सहारा है, जिसका ये सपना था कि वो अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं, जो कि ये संस्कार सागर उनके मतलब उनके सपने को साकार कर रहा है। और इस समय देश ही नहीं पूरा विश्व में वैश्विक चल रही है महामारी, जिसको लेकर के इनके भी कुछ विद्यालय द्वारा जो एक निर्देश है सरकार द्वारा, वो इनका ठीक ठाक पालन करें और इन्हें सुनना चाहते हैं कि मतलब इसके ऊपर इनकी क्या राय है। सर आपका नाम? मेरा नाम सुधीर सिंह है, मैं प्रबंधक हूँ संस्कार सागर पब्लिक स्कूल का। सर, ये जो इस समय देश नहीं पूरे विश्व में चल रही है कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर सरकार का लॉकडाउन और लॉकडाउन फर्स्ट चल रहा है, ये इस पर आपको ना कहना क्या है? देखिए, पहले तो मैं संस्कार सागर पब्लिक स्कूल की तरफ से सबको नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए, इसमें सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं हमको बहुत कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए। हम लोगों को कहीं भी भीड़भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए, प्लस हमेशा माने सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस महामारी से तभी बचा जा सकता है। सर, ये जो अभी सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का पैटर्न है, मतलब इसके बारे में आपका क्या है? क्या है कहना? हम लोग थोड़ा सा देहात से हैं, यहाँ दिक्कत तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि सरकार के निर्देश के द्वारा हम लोगों ने स्कूल को बंद करके रखा हुआ है और बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे ननिहालों के जीवन काफ़ी प्रभावित होगा, इसलिए हम लोगों ने अपने यहाँ जो है ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी है। सर इस समय फीस माफ़ी को लेकर के यहाँ के वर्तमान समाजसेवी संस्थाएँ और कई मतलब पार्टी के नेता का आवाज़ उठाया है, मतलब उसको लेकर के आपका क्या है कहना? देखिए, हमारे स्कूल ने अपने सारे बच्चों की अप्रैल मई जून की फीस को आधा माफ कर 50% फीस हमने माफ कर दिया है, प्लस नए एडमिशन पे एडमिशन फीस हमने पूरा माफ कर दिया है। सर, ये इस समय आर्थिक स्थिति सबके लिए है, इसमें हम लोग भी जूझ रहे हैं, एक्चुअली हमारा स्कूल नया भी है। आपने बताया है कि हमारा स्कूल एक पिछले साल हमने ओपन किया है, काफ़ी दिक्कतें, लेकिन फिर भी हमने आम जनमानस को देखते हुए हमने अपने स्कूल की फीस को 50% माफ कर दिया है। ठीक है सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? डॉक्टर ओमकार सिंह। सर, जो इस समय देश नहीं विश्व में चल रही है कोरोना वायरस COVID-19, इसको लेकर के आपकी मतलब क्या राय है और ये जो कोरोना वायरस है और इसकी रोकथाम और इसका उपचार क्या है? देखिए, कोरोना ये एक पेंडेमिक तो है ही, और कोरोना ये एक ऐसा वायरस आया है जो COVID-19 हम लोग इसको बोल रहे हैं। COVID-19 डिजीज है, इसका वायरस जो है COVID-SARS-02। ये 02 मीन्स SARS वायरस को 2003 में चीन में आया था एक बार, और उस समय भी काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए थे। अभी इसका नेक्स्ट उसी परिवार का एक अलग वायरस आया है जिसको हम लोग COVID-SARS-02 बोल रहे हैं। ये काफ़ी खतरनाक है, इसकी अभी कोई मेडिसिन बन नहीं पाई है। अब आगे इसका जो भी हो, काफ़ी देश लगे हुए हैं इसकी मेडिसिन बनाने के लिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही हो सकता है इसका जीन सीक्वेंस नहीं मिल रहा है या क्या है, इसकी मेडिसिन नहीं बन पाई। सर, मतलब ये जो लॉकडाउन ही इसकी एक उपचार है कि इसकी एक
अलग भी कुछ उपचार है? देखिए, लॉकडाउन तो जरूरी था, गवर्नमेंट के इस कदम का हम स्वागत करते हैं और ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि इसका जो स्प्रेडिंग था इसको रोकने के लिए लॉकडाउन ही यही एक ऑप्शन था जो कि गवर्नमेंट ने दो चीज़ें की थी, एक की थी सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हम कर सकते हैं, लॉकडाउन करेंगे तभी तो कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। तो गवर्नमेंट का एक कदम बहुत ही अच्छा था और ज़रूरी भी था, हम इस कदम की सराहना करते हैं। ठीक सर, ये जो भी विद्यालय खुल रहे हैं, खुलने के विचार चल रहे हैं कि 15 जुलाई से विद्यालय खुला जाएगा, तो मतलब क्या ये सरकार का सही रहेगा कदम कि इसमें कुछ आपके तरफ से? अभी देखिए, इसके बारे में कोई ऐसा गाइडलाइन हम लोगों को तो नहीं मिला है। गवर्नमेंट जो भी कदम उठाती है, जो भी डेट देती है विद्यालय खोलने के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस उसके लिए आएंगी कि बच्चों को किस तरह से रखना है, क्या डिस्टेंसिंग रहेगी, किस तरह से क्या करना है, और ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे जो भी गवर्नमेंट का आदेश होगा। सर एक अंतिम सवाल सर, मतलब इस देश में शिक्षा को मतलब बहुत ही जरूरी समझा जाता है और इस समय सरकार लॉकडाउन रहते हुए भी आबकारियों की दुकान खोल दी थी, मतलब इस समय शिक्षा जरूरी है कि आबकारी? देखिए, अब इसमें गवर्नमेंट की क्या सोच थी वो चीज़ें हम तो नहीं जानते हैं। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है। मेरी शिक्षा क्या है, देखिए आज के जो बच्चे हैं समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं ये सब पहचानने के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है, और बच्चे जब शिक्षित होंगे तभी वो जानेंगे क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है और उनका भविष्य उसी पर डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल सर से मिलते हैं और हम जानते हैं इनका क्या है परिचय। सर आपका नाम? हेलो एवरीवन, मायसेल्फ कमल सिराज फ्रॉम संस्कार सागर पब्लिक स्कूल महतवार असरा। सर ये जो लॉकडाउन फेज चला, उसके बाद फर्स्ट लॉकडाउन चला और फर्स्ट लॉकडाउन में लगभग ऑनलाइन शिक्षा जो कि एक छात्र छात्राओं को बहुत ही जरूरी और कारगर साबित हो रही है, मतलब इसको लेकर के आपका क्या है पैटर्न? देखिए, चूँकि हम सब जानते हैं ये ऐसी पैंडेमिक कंडीशन है कि बहुत जल्दी इससे हम अभी पीछे नहीं आ पाएंगे, अभी इसे नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। और एजुकेशन तो एकेडमी भी ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो फिर एक ही मीडियम बनता है कि हम किसी तरह बच्चों को ऑनलाइन के थ्रू कम से कम उन्हें बुक के टच में रखें, एकेडमिक के टच में वो रहें कि उनकी चीज़ें जो भी हैं वो रिवाइज होती रहें, छूटे ना, एंड सेशन चलना है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी वी आर वेटिंग व्हाट द गवर्नमेंट इज गिविंग द डिसीजन, एंड अपनी कोशिश है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग भी रन कर रहे हैं स्कूल से, टीचर्स पूरी हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, गार्जियन की भी अच्छी खासी हेल्प हो रही है, बच्चों की तरफ से भी होमवर्क दिया जाता है, वर्कशीट दी जाती है, असेसमेंट जो भी हम लोग पॉसिबल होता है वो भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। सर ये जो ऑनलाइन शिक्षा है, मतलब इसको लेकर के कई ऐसे गांव और बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उनके पास आपकी ये शिक्षा किस स्तर से काम करिए कार्यक्रम? सही क्वेश्चन है सर आपका, कि चूंकि हम लोग जिस एरिया से भी बिलोंग कर रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पर, बहुत से हमारे गार्जियन ऐसे हैं, एटलीस्ट 20% गार्जियन हमारे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, प्लेन मोबाइल है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी 1 वीक की स्टडी है उसका मटेरियल हम किस तरह उन तक बच्चों तक पहुँचवाते हैं ताकि बच्चों फिर उसको कम्प्लीट करके और स्कूल में एनी वो बुक के टच में एटलीस्ट आ जाए, और जो भी अपने से पॉसिबल हो रहा है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान देना है, हम बहुत ज़्यादा दूसरों से टच में भी नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए अपनी जहाँ तक पूरी कोशिश है कि हम मैक्सिमम बच्चों को एटलीस्ट कवर कर सकें पढ़ाई के लिए। सर ये जो अभी स्थानीय के समाजसेवी संस्थाएँ और कई मतलब पार्टी के नेता ये फीस माफ़ का आवाज़ उठा रहे हैं, लगभग आपके विद्यालय ने भी फीस माफ़ किया है, तो इसको लेकर के आपका क्या है कहना? देखिए, फीस चूँकि बच्चे स्कूल तो नहीं आ रहे हैं तो गार्जियन के भी दिमाग में होता है कि हमारा बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा है, क्लासेस तो चल रही हैं, तो हम फीस कैसे दें, कितनी देनी चाहिए, एंड एज ए पेरेंट्स अगर सोचा जाए तो सही है कि इस कंडीशन में जैसे आप कंडीशन देख रहे हैं इकोनॉमिकली भी सभी लोग परेशान हैं, तो इसको देखते हुए स्कूल ने भी मैनेजमेंट कमेटी ने डिसीजन लिया कि हम लोग गार्जियन को एटलीस्ट पूरा प्रेशर न दें, और अगर हम पूरा छोड़ भी देते हैं फीस तो हमारे जो स्टाफ हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं टीचर्स
उन्हें हम कैसे मैनेज करें, उनका भी कहीं ना कहीं परिवार है। तो इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया वो ये था कि हम गार्जियन पे 50% प्रेशर देंगे और बाकी स्कूल मैनेज करेगा, ताकि स्टाफ को भी प्रॉब्लम ना हो और गार्जियन को भी कुछ इकोनॉमिकली हेल्प हो जाए थोड़ी सी उनकी। सही, जो ऑनलाइन फेज चल रहा है इसको लेकर के आप छात्र छात्राओं और जो गार्जियन है उनके लिए आपकी क्या है आगे की पॉलिसी? देखिए सर, अभी अनलॉक जो फेज वन था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एक्चुअली हमारे जो डेली रूटीन है उसको कहीं ना कहीं पटरी पे लाना चाहती थी कि हम नॉर्मल लाइफ लें, लेकिन थोड़ा सा केसेस जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे थे, तो आपने भी देखा होगा अभी न्यूज़ में इस तरह से कुछ तो आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा था फिर से शायद इसको बढ़ाना पड़े। और ऐसी कंडीशन में अगर गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जैसा डिसीजन लेती है, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक, ठीक सर, धन्यवाद, थैंक यू। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।